हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में, और उसके बाद एक थ्योरम भी डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, लॉज के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में चर्चा करें, थ्योरम डेफिनेशन को, एक्चुअल डेफिनेशन को बताएं, लेकिन सबसे पहले समझिए, मान के चलिए कि कोई एक सैंपल स्पेस है। अच्छा हाँ, इस चीज को समझाने से पहले मैं बता दूं कि प्रीवियस के लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। अगर मान लीजिए आप प्रीवियस के लेक्चर्स को देखे ही नहीं है तो दिक्कत हो सकता है कि भाई ये सैंपल स्पेस क्या है, रेक्टेंगल कैसे बना दिए, है ना। तो चलिए हम समझाते हैं आगे, बाकी प्रीवियस के लेक्चर्स को कंटिन्यू ही करके देखिएगा। देखिए, एक कोई मान के चला जाए सैंपल स्पेस है, ठीक। इस सैंपल स्पेस में मान लीजिए जी एक इवेंट है, यहाँ पे ए वन इवेंट है, मतलब इस एस का सबसेट होगा, तो इवेंट ए वन हमने नाम दे दिया। एक इवेंट मान लीजिए है ए टू, एक इवेंट मान लीजिए कुछ है ए थ्री यहाँ पे, और एक इवेंट मान लीजिए यहाँ पे है ए फोर, और एक इवेंट मान लीजिए यहाँ पे है ए फाइव, और एक इवेंट है यहाँ पे ए सिक्स, और भी बहुत हो सकते हैं इवेंट है ये सर, इवेंट मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये सैंपल स्पेस है, ये एक इवेंट है। अब क्या बोला गया स्टूडेंट, ये तो सब अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में इवेंट हो गया, एक इवेंट और है, वो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है इवेंट ए। मेरी बात को एकदम ध्यान से गौर से सुनना है कि भाई एक सैंपल स्पेस था, यहाँ पे ए वन एक इवेंट था, ए टू इवेंट था, ए थ्री ए फोर ए फाइव एंड सो ऑन, बहुत सारे इवेंट्स थे हमारे पास। एक इवेंट और है जी, वो कौन है, ए है, ठीक है ना, वो कौन इवेंट है, ए है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए ना, ये ए इवेंट ए टू में भी थोड़ा सा हो जा रहा है, ये ए इवेंट ए वन में भी थोड़ा सा हो जा रहा है, ए सिक्स में, ए फाइव में, ए फोर में, हर चीज में थोड़ा थोड़ा इवेंट ही हो जा रहा है। हो सकता है किसी में नहीं होता, हो सकता है इधर ए सेवन रहता है उसमें नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हो सब में, जरूरी नहीं है कि सब में हो ही, हो सकता है किसी में नहीं भी हो। तो अब बात करते हैं इस इवेंट ए के होने का, जब प्रोबेबिलिटी के हम लिखेंगे ना स्टूडेंट, कि प्रोबेबिलिटी ए का होने का प्रोबेबिलिटी कितना कितना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए के होने का थोड़ा सा चांसेस इधर भी है कि अगर इधर से कोई नंबर हो जाता है तो ए हो जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद ए वन। ए के होने का अगर टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फिलहाल ए के होने का थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ए वन के साथ है, तो मतलब ए वन के इंटरसेक्शन में ए का थोड़ा प्रोबेबिलिटी है, प्लस अभी खत्म कहा हुआ ए का तो और भी प्रायोरिटी निकल रहा है, प्लस ए का ए टू के साथ होने का प्रायोरिटी कुछ यहाँ पे है, तो इसको कर लीजिए प्लस प्रायोरिटी ऑफ ए का ए टू के इंटरसेक्शन में कुछ प्रायोरिटी है, फिर ए थ्री में भी कुछ प्रायोरिटी है इसका, तो प्लस प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए थ्री, फिर ए फोर में भी कुछ है यहाँ पे, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन यहाँ ए फाइव में भी कुछ है, फिर उसके बाद ए सिक्स में भी है। तो इसी चीज को फिर क्या कहेंगे कि जब इंटरसेक्शन में सब सम कर देंगे इधर यहाँ पे, तो फाइनली निकल के यही चीज कहलाएगा ए का टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ पा रहे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी को फील करना है यहाँ पे कि ए इवेंट जो था वो ए वन के साथ भी हो जा रहा था, तो ए वन में कुछ चांसेस था, ए इवेंट ए टू के साथ भी हो जा रहा था कुछ चांसेस था, ए इवेंट इसके साथ भी हो रहा था कुछ प्रोबेबिलिटीज इधर भी था। तो फाइनली ए का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना, तो इसके साथ कुछ प्लस इसके साथ कुछ प्लस इसके साथ कुछ, तो फाइनली जो सबका सम करेंगे ना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वन, क्योंकि एक किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा वन के बराबर होता है, तो कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तो फाइनली क्या वन के बराबर। इसी चीज को हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम प्रीवियस क्लास का मल्टीप्लीकेशन थ्योरम याद दिला दें आपको। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहता था जी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वो कहता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जब बी की बात करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये सब बच्चों को याद होना चाहिए कि इंटरसेक्शन लिखिए यहाँ पे, या फिर लिख दीजिए ये P of A into P of B by A, या इसी को लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं P of A P of B into P of A by B, दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम आता है। तो हम ये जो ये लिखते हैं ना, इसी को कहते हैं मल्टी टोटल प्रॉपर्टी का लॉस। इसको थोड़ा सा डिफाइन भी किया गया, जरा देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बताए हैं ताकि आप कॉपी में लिख सके। तो क्या कहा गया टोटल प्रॉपर्टी के बारे में, कि सपोज देयर आर टू बैग्स, अभी जो हम समझा रहे थे जैसे यहाँ पे ए वन ए टू इस तरीके से था, अब हम चाहे इसको एक एग्जांपल के मदद से समझाते हैं कि सपोज देयर आर टू बैग्स, कि मान के चलिए कि देयर आर टू बैग्स, दो बैग है यहाँ पे बी वन और बी टू। सपोज देयर आर टू बैग्स बी वन एंड बी टू, बैग वन कंटेन थ्री व्हाइट एंड फोर ब्रेड, बैग वन कंटेन थ्री व्हाइट एंड फोर रेड, बैग टू कंटेन फोर व्हाइट एंड फाइव रेड। अब क्या बोला गया है, वन बॉल इज ड्रॉन, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, अब आपसे बोला गया है वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ द बैग, अब इस दोनों में से कोई एक बॉल को ड्रॉ किया गया, वो बॉल बी वन बैग से हो सकता है, बी टू बैग से हो सकता है, तो जो भी हो, तो जो बॉल आप निकालेंगे उसके रेड होने का प्रायोरिटी या व्हाइट होने का प्रायोरिटी, किसी भी कलर के होने का प्रायोरिटी जो होगा, उसका कुछ प्रोबेबिलिटी इस हिस्से में भी है, कुछ प्रायोरिटी इस हिस्से में भी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने समझाया कि ए वन ए टू बहुत सारे इवेंट्स थे, तो ये जो इवेंट हमने ए के बारे में बात करा, कुछ ए वन के साथ भी कुछ हिस्सा है, कुछ इधर भी है ना, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। देखिए, तो वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ द बैग, किसी एक बैग से वन बॉल को ड्रॉ करना, और आगे बोला कि वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन बॉल ऑफ एनी कलर, कि एनी कलर का वो हो वो बॉल,
चाहे रेड कलर का हो उसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो रेड कलर होने का प्रॉपर्टी इसमें भी कुछ है प्लस इसमें भी कुछ है, तो दोनों का सम करेंगे तो दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। कि जो एक बॉल निकाल कर जो बात कर रहे हैं कि रेड होने का प्रॉपर्टी या व्हाइट होने का प्रॉपर्टी, तो वही कहलाएगा टोटल प्रॉपर्टी एक। नेक्स्ट आ जाइए, इसको थोड़ा सा पार्टीशन के बारे में भी समझाया गया आपको कि मान के चला जाए कोई सैंपल स्पेस एस है, तो सैंपल स्पेस अगर एस है तो भाई उसका पार्टीशन क्या होता है बच्चों, तो पार्टीशन क्या होगा कि उस सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट का टुकड़ा कि जो आपस में नॉन ओवरलैपिंग हो, कि ओवरलैप नहीं करता हो, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आता हो, और सबको मिलाने के बाद कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाए। दो प्रॉपर्टी कि किसी दो के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आए और सबको मिलाने के बाद वो कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाए, इसी सबसेट्स के कलेक्शन को बोलते हैं पार्टीशन। आपने इससे पहले भी पार्टीशन के बारे में पढ़ा होगा, तो वही यहां लिखा हुआ है कि दस अ पार्टीशन ऑफ एस इज अ कलेक्शन ऑफ ए आई सबसेट ऑफ एस सच दैट इस तरीके से किसी दो के इंटरसेक्शन में, किसी के सॉरी सबका यूनियन करे तो एस आ जाए, और किसी दो अलग अलग के इंटरसेक्शन के बारे में करे तो फाइव ही आए इंटरसेक्शन में, तो दिस इज कॉल्ड कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड पार्टीशन। क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास का जो मेन उद्देश्य था टोटल प्रोबेबिलिटी को समझना, है ना। चलिए या फिर चलिए हम आज के क्लास में ही बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम्स के बारे में भाई। अच्छा सॉरी, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में था ना आज बात, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आज समझना था। तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझाया ही था कि किसी एक प्रोबेबिलिटी का लॉज क्या होता है, कि पी ऑफ पहले के साथ कितना, फिर दूसरे के साथ कितना, तीसरे के साथ कितना। इसी को अगर बच्चों हम ऐसा लिख दें, इसी चीज को इंटरसेक्शन को हम तोड़ दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए वन, क्या कोई दिक्कत? मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से तोड़ दे रहे हैं इंटरसेक्शन को, क्या लिख सकते हैं? ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए टू, इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। तो ए वन ए टू अगर ए एन इवेंट्स हैं तो ए के होने का प्रॉपर्टी, जो ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, इफ ए वन ए टू ए एन बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड ए इज एन इवेंट विच अकर्स टूगेदर विथ वन ऑफ द इवेंट्स ए वन ए टू ए एन, मतलब देखिए ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स था। उसके बाद ए वो इवेंट ऐसा है जो किसी के साथ हो सकता है, इसके साथ, इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने समझा रहा था यहाँ पे आपको डायग्राम में, ए इवेंट किसी के साथ हो सकता है, किसी एक के साथ हो सकता है, यहाँ हुआ तो इसी के साथ हो गया, इसके साथ, तो मतलब किसी एक के साथ हो सकता है। तो उस ए का प्रॉपर्टी क्या होगा कि ए के साथ, ए वन के साथ कितना हो रहा है इंटरसेक्शन प्लस ए टू के साथ, हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा के लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ ए बाई ए वन प्लस दिस प्लस ए एन तक, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, कैसे हम प्रूफ करेंगे? सिंस एस एंड सैंपल स्पेस, देखिए सॉरी, सिंस का लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस क्या है, कोई सैंपल स्पेस है, और ए वन ए टू ए एन जो है एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ये स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन में कुछ नहीं, एग्जॉस्टिव का मतलब सबको मिलाएंगे तो सैंपल स्पेस एस बन जाएगा। तब आपको बहुत अच्छे से पता है किसी दो का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव आएगा, और सबका अगर यूनियन कर देंगे तो एस आएगा, ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी से मेरा एक सवाल है, मान के चलिए ये है पूरा अपना सैंपल स्पेस, क्या है जी, ये अपना सैंपल स्पेस है, और इसमें हम बना देते हैं यहाँ पे एको सर्कल। ये मान लीजिए अपना इवेंट है ए, अगर हम आपसे कहें ये है अपना इवेंट ए है, ये पूरा सैंपल स्पेस है। अच्छा अगर हम बोले सैंपल स्पेस एस में और ए में इंटरसेक्शन में क्या है जी, इंटरसेक्शन में आप ध्यान देंगे तो इंटरसेक्शन जब दोनों का करेंगे तो सिर्फ ये ए ही आएगा इंटरसेक्शन में, है ना। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ ए ही आएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है भाई, क्या लिखा है हमने कि जब ए का एस के साथ इंटरसेक्शन करेंगे सैंपल स्पेस के साथ तो ए ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन एस रहने दिया हमने, ए को एज इट इज रखा, इंटरसेक्शन एज इट इज है, और एस को क्या हम लिख सकते हैं अभी तुरंत, हमने कहा एस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, तो एस के जगह पे ए वन यूनियन ए टू कहां ये लिख दिया हमने। और आपको एक चीज याद होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, कि जो इंटरसेक्शन होता है इसके ऊपर भी बटेगा, इसके ऊपर भी, सबके ऊपर बट जाएगा। तो मतलब ए इंटरसेक्शन ए वन यूनियन ए इंटरसेक्शन ए टू यूनियन ए इंटरसेक्शन ए एन, इस तरीके से बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों सबको पता है ए ए अगर इसके बराबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बराबर हो जाएगा। अगर ए इवेंट इस पूरे के बराबर है तो दोनों का प्रॉपर्टी भी बराबर होगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए। और आप सभी बच्चों को पता है कि सबका इंटरसेक्शन अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कैसे जी, इधर का ए के साथ इंटरसेक्शन ये वाला सब अपने आप में अलग अलग है, कुछ भी इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं है। जैसे ऐसा नहीं कि इधर वाला इसके साथ कुछ कॉमन आ जाएगा, नहीं, सब अलग अलग है, तो मतलब सब अपने आप में विशेष है। तो आपको एडिशन थ्योरम याद कीजिए, तो दिस इज इक्वल टू पी ऑफ दिस लिखा हुआ, सिंस दिस 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 ऑल आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, सब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ दिस प्लस पी ऑफ दिस प्लस दिस, इस तरीके से। तो दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर बाय एडिशन थ्योरम वी हैव पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए वन प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए टू प्लस कहां तक, ये तक।
और आपको याद होगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ ए बाई ए वन प्लस पी ऑफ ए टू इंटू पी ऑफ ए बाई ए टू, कहां तक, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, सॉरी लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए हमने एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे बड़ा प्रेम से करवा रखा है, बाकी क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्सेज में बताया गया है, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, बहुत प्रेम से वहाँ समझाया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है, क्लास नोट्स है और एक चीज़ को लिख के समझाया गया, यहाँ तो क्विक रिविजन करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। बाकी इस एग्जाम्पल को जरूर आप लोग करिएगा कॉपी में, है ना। मिलते हैं अगले क्लासेस में, बेस थ्योरम्स वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, चलिए।